हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम के अंदर हमारे व्यूअर हैं निगाट खान, जिन्होंने पूछा है कि टैली प्राइम के अंदर किसी भी कंपनी को कैसे डिलीट किया जाए। ना सिर्फ कंपनी को बल्कि लेजर्स को भी डिलीट करना बताऊंगा, ठीक है? तो और एंट्रीज भी कैसे डिलीट करी जाएंगी वो भी बताऊंगा, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, टैली प्राइम में किसी भी कंपनी को अगर आपको डिलीट करना है तो सबसे पहले अल्टर करना होता है। अल्टर अब जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के दिमाग में सीधी बात ये आती है कि ये गेटवे ऑफ टैली और यहाँ पर अल्टर है, तो कंपनी को डिलीट करने के लिए वो इस अल्टर पे चले जाते हैं और यहां पर उनको कोई भी कंपनी का डिलीशन पॉसिबल नहीं है। यहां से कंपनी को आप डिलीट नहीं कर पाएंगे, तो फिर कहां जाना होगा, तो आपको कंपनी के अल्टर पे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको F3 प्रेस करना है और आ जाना है कंपनी के अल्टर पर। ये देख रहे हैं यहां पर अल्टर कंपनी दिया गया है, और यहां से आपको क्या प्रेस करना है, अल्ट के साथ डी प्रेस करना है। अल्ट डी प्रेस करते ही ये डिलीट वाली विंडो आएगी और यस कर देने पे ये कंपनी आपकी डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए लेजर्स को डिलीट करना है तो यहीं से आके आपको डिलीट करना होगा, वो भी जो लेजर्स यूज कर चुके हैं आप, उनको आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि जैसे मान लीजिए ये IGST है, तो अगर मैं इसे डिलीट करना चाहूं तो देखिए अल्ट डी प्रेस करने पे भी ये डिलीट नहीं हो रही है, क्योंकि इसका कई जगह हम यूज कर चुके हैं। अगर एक भी जगह आपने यूज किया होगा इसका, तो आप इसे डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेल्स वाली तमाम एंट्रीज हुई पड़ी हैं, इसको मैं निकालता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये CGST IGST लगा हुआ है और CGST SGST लगा हुआ है, और सेल्स वाली ये एंट्री देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है IGST लगा हुआ है। अब जब तक इसको आप डिलीट नहीं करेंगे तब तक IGST के लेजर को डिलीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब ये एंट्री डिलीट कर लेंगे, ये एंट्री कैसे डिलीट होगी, अल्ट डी प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए तो ये एंट्री डिलीट हो जाएगी। अब IGST का लेजर आप डिलीट कर सकते हैं। कैसे, अल्टर पे जाएंगे, ये देखिए ये आए अल्टर पे, और IGST का लेजर जो भी है यहाँ पे जाइए और अल्ट डी प्रेस कर दीजिए। देखिए अब डिलीट हो रहा है और हो भी गया डिलीट। तो जब एंट्री कर लेंगे तब वो डिलीट नहीं होगी, तब तो फिर उस एंट्री को डिलीट करना होगा, तब ये डिलीट होगा, ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।